नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके 3.5 प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपन इसका पहला भाग कर चुके थे। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, जिसमें अपन पढ़ रहे थे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो मूलों की प्रकृति अपने पहला सवाल कर लिया था, दूसरा सवाल अपने चल रहा था, उसके अंदर अपने कुछ सवाल कर लिए थे। इसका अगला भाग देखते हैं, इसका आगे वाला सवाल देखते हैं। आपको ये सवाल दिया हुआ है दूसरे सवाल के अंदर, देखो सवाल क्या है। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर है, यानी मूल वास्तविक और बराबर वाली कंडीशन लगानी है आपको और आपको इसमें k का मान ज्ञात करना है। देखो तीनों शर्तें यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख ले, उसमें काफी इसको बारीकी से और इसको अच्छी तरह बेसिक के साथ समझाया हुआ है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो यहाँ आपको जैसे बताया a बराबर क्या है, यानी a बराबर जो x स्क्वायर के साथ होता है, तो x स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ k प्लस 1। वहीं b की बात करें तो b का x के साथ होता है, तो देखो x के साथ क्या है माइनस 2k माइनस 1। और वहीं c की बात करें तो सिर्फ संख्या यहाँ पर कितना है 1। अब अपने जो विव्यक्तिकर है विव्यक्तिकर में जो वास्तविक एवं बराबर होने की शर्त होती है वो कौन सी होती है, पहले वाले देखो वास्तविक और समान, यानी ये सभी में ये कंडीशन लगाए तो बी स्क्वायर पहले लिखेंगे, यदि मूल वास्तविक व समान है तो, यदि मूल वास्तविक समान है तो क्या लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां पर अपन मान रख देंगे बी का मान क्या है, देखो ये रहा माइनस 2 k माइनस 1, इसका पूरे का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर क्या b का स्क्वायर माइनस 4, तो ये 4 लगा दिया। a का मान क्या है k प्लस 1, तो ये लगा दिया k प्लस 1, और साथ में लगाएंगे इंटू c का मान कितना है 1, और बराबर क्या रखना है 0। बराबर 0 इसलिए रखा क्योंकि मूल वास्तविक और समान इसने पहले से ही कह दिया है। अब अपन क्या करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है ये तो आपको पता है 4, लेकिन यहाँ k माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे a माइनस b के फॉर्मूले से, ये सूत्र लगाएंगे a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां देखो k माइनस 1 का सूत्र खोलते हैं तो क्या बन जाएगा, पहले a का स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 2, a का मान k है b का मान 1 है तो 1 से गुणा करने पर ये रहेगा प्लस b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी इसकी जगह पर क्या रखेंगे ये k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये पूरा होल स्क्वायर खुला इसका माइनस इस 4 के अंदर गुणा करा देते हैं, देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 रहेगा, इस 4 की इससे और इससे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस माइनस, देखो ये माइनस भी साथ में गुणा होगा, माइनस 4 की इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 4k और माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इसकी भी 4 के अंदर गुणा करा देते हैं तो ये 4k स्क्वायर, देखो 4 की इससे गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी और 4 की इससे भी गुणा करानी पड़ेगी, तो इसको गुणा करेंगे तो ये 4 को इससे 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 8k, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस का ये 4 माइनस 4k माइनस 4 बराबर 0। अब यहां ध्यान देंगे ये 4 प्लस का है ये 4 माइनस का है तो ये तो हो गया कट, ठीक है। उसके बाद देखो 4k स्क्वायर मैंने लिख दिया है, जैसे जैसे ये दोनों देखो माइनस के हैं तो माइनस का 4k और माइनस का 8k दोनों मिलके कितने हो गए 8k और 4k, 8 और 4 दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ेंगे तो माइनस के 12k, क्या हो गया माइनस के 12k। यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो देखो 4 इसमें भी आ रहा है और 12 के पड़े में भी 4 आता है और k ये भी आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे 4k मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे k, यहाँ का 4 कॉमन आ गया और 2 बार k है यानी k स्क्वायर का मतलब 2 बार k है तो एक बार मैंने कॉमन ले लिया, माइनस में क्या बचा देखो 4 का पड़ा कितनी बार बोलने पर बार आता है 3 बार और ये k कॉमन ले लिया था, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखो यहां से पहले इसको 0 रखेंगे एक बार इसको, तो लिखेंगे यदि 4 के बराबर 0 हो तो आपको पता है k बराबर क्या आएगा 0 क्योंकि 4 इधर भाग में जाएगा तो पहला क्या आ गया k बराबर 0। दूसरा देखो और यदि k माइनस 3 बराबर 0 हो तो k बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर आएगा तो प्लस का, तो दो k के मान आ गए, एक तो k बराबर आ गया आपके पास 0
जब भी देखो के बाद इधर चार है, चार इधर जाएगा तो भाग में जीरो के भाग में कुछ भी आता है जीरो ही रहता है, तो एक तो के बराबर जीरो आ गया और एक के बराबर तीन आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल करना है, ये सवाल महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, इसका दूसरा सवाल, इसका अगला मतलब दूसरे का पांचवा सवाल, ठीक है। तो इसके अंदर भी उसी तरह करना है, एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए, यानी यहाँ ए बराबर कितना है के प्लस चार, बी बराबर कितना है जो एक्स के साथ है यहाँ पर है के प्लस एक, और सी बराबर क्या है तो संख्या होती है वो है एक, ठीक है। इसमें भी आपको लिखना है, यदि आपको पहले से उसी तरह लिखना है, यदि मूल वास्तविक व समान है तो मूल वास्तविक और समान देखें तो क्या कंडीशन लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर जीरो, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी मान रखो यहां पर बी का मान क्या है के प्लस एक का स्क्वायर माइनस चार, ए का मान है के प्लस चार, ठीक है, और सी का मान है एक, बराबर क्या रखना है जीरो। देखो यहां पर फिर से होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर वाला सूत्र खोलेंगे, कौन से सूत्र से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अपने पास है के प्लस एक, ध्यान देंगे इधर तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले ए ये है, देखो ए का मान ये है, बी का मान ये है, ए का मान क्या है तो यानी के स्क्वायर प्लस दो, ए का मान है के और बी का मान है एक, तो एक से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है, तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, और फिर से एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर ये क्यों होता है, तो ये उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस दो के प्लस एक माइनस। अब देखो यहाँ पर मैं माइनस चार के अंदर गुणा करूंगा, चार को एक से गुणा करने पर चार ही रहेगा, फिर इस चार के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का चार को के से गुणा करेंगे तो माइनस चार के, और इसी माइनस चार की चार से गुणा करेंगे तो माइनस के सोलह बराबर, ये माइनस का चार है ये प्लस का चार है, माइनस के चार को प्लस के चार से गुणा करते हैं तो आता है सोलह। अब देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, इसका के स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये दो के है और ये माइनस का चार के है, तो दो के में से चार के जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का दो के बचेगा, एक संख्या प्लस की सेम और एक माइनस की हो तो घटा होती है, ठीक है, तो दो में से चार जाएगा नहीं, चार में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का दो के, और ये एक प्लस का है ये क्या है माइनस का, तो यहां से इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास माइनस का पंद्रह। देखो एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस माइनस होता है तो घटा होगी, सोलह में से एक जाएगा तो पंद्रह, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आ गया अपने पास। अब आपको क्या करना है, ये एक द्विघात समीकरण बन गई है फिर से, तो द्विघात समीकरण को आपको हल करना है उसी तरीके से, आपके पास तीन तरीके द्विघात समीकरण हल करने के अपने सीखे थे, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्री धराचार्य सूत्र। तो देखो यहाँ गुणनखंड विधि लगा देते हैं, ऐसी संख्या जिनको गुणा कराने पर आना चाहिए पंद्रह और यहाँ माइनस है मतलब घटाने पर आना चाहिए दो, तो तीन और पांच, ठीक है, पांच में से जब तीन घटाते हैं तो दो आता है और पांच को तीन से गुणा करते हैं तो पंद्रह। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस पांच के प्लस तीन के माइनस पंद्रह बराबर जीरो। देखो के क्यों लिखा, देखो पांच और तीन आया था दोनों के साथ के लगाना, एक प्लस का और एक माइनस का घटाओ तभी होती है जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो देखो बड़ी संख्या पांच और तीन तीन, तो पांच में से तीन घटाएंगे तो माइनस के दो आएंगे, ये ऊपर माइनस में है तो माइनस में ही आना चाहिए। अब क्या करते हैं इनमें से कॉमन लेना है फिर पीछे वाले में, तो आगे इसमें कॉमन लेंगे तो के कॉमन आ गया तो एक बार के बचेगा और माइनस का पांच प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तीन कॉमन आ रहा है, तीन कॉमन आएगा तो क्या बचेगा तीन का पाड़ा पांच बार बोलने पर पंद्रह आता है इसलिए यहां पे पांच लिखा है बराबर जीरो। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है के माइनस पांच, ये कॉमन आ रहा है तो यहां क्या बचा के और यहां क्या बचा तीन बराबर जीरो। देखो ये के माइनस पांच कॉमन ले लिया, यहां पर के बचा और यहां पर प्लस का तीन, तो ये के प्लस तीन। अब वही कंडीशन लगाएंगे अपन इसमें कि यदि के माइनस पांच बराबर जीरो हो तो के बराबर क्या आ जाएगा प्लस का पांच, पहला तो उत्तर ही आ गया। दूसरे अपने पास यदि के प्लस तीन बराबर जीरो हो तो के बराबर कितना आ जाएगा माइनस का तीन, देखो प्लस का तीन इधर लाएंगे तो माइनस का तीन, तो ये इसके दोनों आंसर हो गए। तो इस तरीके से अपन इसको सवाल को करना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरे का छठा सवाल यानी लास्ट सवाल। देखो अभी तक जो अपने सवाल किए ये दूसरा सवाल सारे एक ही तरीके से चल रहे हैं, सिर्फ आपकी संख्या चेंज हो रही है, संख्या चेंज होने से आपके उत्तर चेंज हो रहे हैं। तो देखो एक ही तरीका है, अपन क्या निकाल रहे हैं, पहले देखो अपने को निकालना होता है एक्स बराबर
यानी जो आपको एक्स स्क्वायर के साथ है वो होता है ए बराबर, ए बराबर क्या है के, बी बराबर क्या है माइनस का पांच, ये देखो एक्स के साथ है तो माइनस का पांच, और सी बराबर क्या है यहाँ पर के, सी बराबर क्या है सी की जगह संख्या नहीं है क्या लिखा हुआ है के, तो इसका परिमाण निकाले तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो आपको दिया हुआ है यदि मूल वास्तविक वे समान है। देखो आपको क्या करना है, मूल वास्तविक और समान दे दिया तो इसी की कंडीशन लगा के अपन सवाल करते हैं, तो यहां की कंडीशन क्या है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर जीरो, अब अपने को मान लेना है तो बी का मान कितना है माइनस का पांच के, पांच सिर्फ माइनस का पांच और स्क्वायर स्क्वायर माइनस चार इंटू ए का मान क्या है के और सी का मान भी क्या है के बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये तो ए का मान लिखा है के है और सी का मान भी के है, तो पांच का स्क्वायर होता है पच्चीस, माइनस पांच का करो या प्लस पांच का स्क्वायर पच्चीस, माइनस चार को चार, चार है के को के से गुणा करेंगे तो चार के स्क्वायर बराबर जीरो, अब मैंने क्या किया के स्क्वायर को इधर ले गया तो पच्चीस, देखो के स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस का चार के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है, अब देखो मैं चार को इधर लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा पच्चीस बटे चार के स्क्वायर, अब क्या करते हैं इस स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखो ये हो जाएगा पच्चीस बटे चार बराबर के, ये आ जाएगा प्लस माइनस, देखो जब भी अंडर रूट निकालते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा तो के का मान आ जाएगा अपने पास के बराबर, एक बार तो प्लस में लिख लेते हैं, पच्चीस का अंडर रूट कितना होता है पांच और चार का कितना होता है दो, ठीक है, और वही आ जाएगा एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और माइनस, प्लस माइनस पांच बटे दो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं के बराबर पांच बटे दो और के बराबर माइनस पांच बटे दो, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये इसके दोनों उत्तर हो गए। देखो सिंपल सा सवाल था, देखो यहां पर कोई द्विघात समीकरण हल नहीं करनी थी, सिर्फ आपको के चार के स्क्वायर को इधर बेचा चार को वापस भाग में लेंगे, अब दोनों ही क्या है स्क्वायर इधर लाएंगे तो दोनों का अंडर रूट निकल रहा है, ठीक है, तो 25 का होता है 5 और 4 का होता है 2, तो ये आ जाएगा 5 बटे 2 प्लस माइनस के अंदर, तो ये था आपका दूसरा सवाल, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब देखते हैं तीसरा सवाल, देखो आपको क्या करना है दूसरे सवाल के जैसा ही है, बस इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, बाकी सवाल उसी तरह करना है, देखो क्या दिया हुआ है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न है, देखो मूल क्या दे दिया वास्तविक और भिन्न, तो वास्तविक और भिन्न की कौन सी, ये तो वास्तविक और समान थे, ये है वास्तविक और असमान या वास्तविक और भिन्न, असमान को क्या कहते हैं अपन भिन्न, यानी अलग अलग है, असमान का मतलब भी अलग अलग होता है, भिन्न का मतलब भी अलग अलग है, ठीक है, तो ये कंडीशन लगा के अपने को सवाल उससे पीछे वाले के जैसे ही सवाल करना है, देखो अभी बता देते हैं आपको, यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ होता है तो ए ये हो गया, ठीक है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है दो और सी बराबर दो सिर्फ संख्या एक, ठीक है, तो लिखिए यदि मूल वास्तविक व भिन्न है तो, अब उसकी कंडीशन लगानी है, उसकी कंडीशन क्या है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बड़ा है जीरो से, बस बराबर की जगह आपको यह चिन्ह लगाना है, बाकी सवाल उसके जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखो आपको करके बताएंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा, अब देखो बी का मान कितना है यहां पर दो, तो दो का स्क्वायर माइनस चार, ए का मान क्या है के और सी का मान क्या है एक, और यहां बराबर कहीं भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें ये रखेंगे, दो का स्क्वायर कितना होता है चार माइनस चार को एक से गुणा करेंगे तो चार और के, अब मैं चार के को इधर ले जाता हूं तो कंडीशन वही रहेगी, देखो ये एक तरह से बराबर ही है, आप इसको इधर उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस से क्या माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, देखो चार माइनस का था इधर लेंगे तो प्लस का, अब चार को इधर लाएंगे तो चार बटे चार, ये आ गया आपके पास के, तो चार से चार कट गया तो आप क्या लिख सकते हैं के, देखो एक और इधर लिखेंगे के, ये आपका उत्तर हो गया, यानी एक का मान है के का मान है वो एक से छोटा है, के का मान क्या एक से छोटा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के इधर लिखो तो एक छोटा होगा ये से, देखो ये तीर का निशान के की तरफ जाना चाहिए एक से के की तरफ, तो ये भी एक से के की तरफ जा रहा है, तो
तो ये दोनों चीज लिखी हुई एक ही बात है। तो k का मान या एक से छोटा होगा, ये भी लिखा हुआ एक से छोटा होगा, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, अलग अलग नहीं है, ये एक जैसे ही है। तो इस तरह से बस सवाल को उसी तरह बस आपने किया क्या, यहाँ बराबर की जगह ये बड़े बड़ा चिन्ह लगा दिया, जीरो से बड़े होने का, बाकी सवाल उसी तरह करना है। देखो इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं और ज्यादा समझ में आ जाएगा, अगर पिछले में कोई डाउट रह गया तो वह यहाँ से। तो देखो यहाँ पर a बराबर क्या होता है x स्क्वायर के साथ, तो a बराबर है k, b बराबर क्या है देखो 6 प्लस का है तो 6 लिख दिया, और c बराबर क्या है 1, वही लिखेंगे कंडीशन यदि मूल वास्तविक व भिन्न है। तो देखो वास्तविक और भिन्न का है तो इसकी कंडीशन लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से। अब आपको उठा के मान रखना है b का मान क्या है 6, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है k और c का मान है 1, ये क्या होगा जीरो से बड़ा, बस बराबर नहीं लगाना है यहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 6 को 6 से ही गुणा करनी है तो 36 माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4k, वापस इसको इधर भेजेंगे तो 36 देखो 4 के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का इधर है माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, 4 को इधर लाते हैं तो 36/4 तो ये इससे कट रहा है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, क्या आ गया 9। तो यानी अपने पास आ गया यानी k का मान है वो 9 से छोटा होगा, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे k इस तरह से। तो ये एक ही बात है, देखो ये k से तीर का निशान ऐसे नहीं है, देखो k को भी चेंज किया है, कहीं आप ऐसे लिख दिया 9 और k लिखा हुआ है, पीछे भी 9 और k लिख दिया, यानी k और 9 लिख दिया और आपने एक ही तरफ चिन्ह रखा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चिन्ह देखो इधर 9 है इधर k है तो 9 से k की तरफ जा रहा है चिन्ह, तो यहाँ देखो k से 9 की तरफ, तो आपका ये गलत हो गया। तो आपको क्या करना है 9 से k की तरफ ही ये चिन्ह रहना चाहिए, तो इस तरह से अपन ये रखेंगे। तो ये दोनों लिखा हुआ एक ही है, देखो 9 से k की तरफ तो ये भी 9 से k की तरफ, तो इस तरह से सिंपल सा सवाल है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो तीसरे का लास्ट यानी तीसरा ही सवाल करना, तो उसी तरह देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक लिखना है, ठीक है, b बराबर क्या है माइनस का k और c बराबर क्या है 9, अपन उसका सवाल करते हैं। देखो ये आपको दिया हुआ यदि मूल वास्तविक व भिन्न है, तो यदि मूल वास्तविक और भिन्न है तो अपन कंडीशन लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बड़ा है जीरो से, मान रखना है b का मान क्या है माइनस k इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और k का मान है 9 और बड़ा है जीरो से, तो माइनस k का स्क्वायर करो चाहे प्लस k का, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है, माइनस 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 36, 9 को 1 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 9 से किया तो 36 बड़ा। यहां से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दिया मैंने k का स्क्वायर और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, किसका लिख दिया 6 का स्क्वायर, 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कौन सा सूत्र लगेगा, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको भी अपन लिख देते हैं k प्लस 6 और k माइनस 6, ये आ जाएगा जीरो के बराबर, ठीक है। उसी तरह दो कंडीशन लिखेंगे यदि k प्लस 6 बड़ा है जीरो से हो तो, तो देखो यदि k प्लस 6 बार ये जीरो से बड़ा हो तो देखो k बराबर क्या आएगा, इसको ध्यान रखेंगे, अगर ये इधर ले जाएंगे तो संख्या माइनस की हो जाएगी, देखो इधर प्लस की और इधर माइनस की, जब भी माइनस हो जाएगी तो अपन चिन्ह उल्टा करेंगे, यहाँ पे चिन्ह को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ये 6 है तो माइनस की संख्या आएगी तो चिन्ह उल्टा करना है आपको, ध्यान रखना है इधर, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे और यदि k प्लस k माइनस 6 ये बड़ा हो जीरो से हो तो, इसमें देखो k बराबर क्या आएगा, ये 6 बड़ा रहेगा, ठीक है, ये तो इधर ही रहेगा प्लस की संख्या, तो अगर माइनस की है तो इसको उल्टा कर देंगे। देखो ऐसा क्या हुआ, ये जो k का मान है, ठीक है, जो k का मान है वो क्या है, ये देखो इधर लगेंगे ये ऐसे लगेगा माइनस 6 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी माइनस 6 से लगा के और 6 तक k का मान है, ये आप इसको इस तरह से लिखेंगे। जब भी आपको k स्क्वायर वाला सवाल आ जाए तो आपको इस तरह से हल करना है, जब माइनस प्लस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी तो आपको ये चिन्ह उल्टा कर देना है, ये इस तरह से, ठीक है।
तो इसको आप इसको माइनस छह इस तरह से लिखेंगे और प्लस वाला छह उसी तरह लिखेंगे, तो दो मान आ गए आपके पास k के ये। तो ये था आपका तीसरा सवाल, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा सवाल। देखो चौथे में क्या दिया है, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पांच की एक्स प्लस सोलह बराबर जीरो के मूल वास्तविक नहीं है। मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, इसकी कंडीशन लगानी है इस समीकरण में। तो सवाल में देखो आपको वही दिया है उसी तरह करेंगे। देखो आपको क्या करना है, पहले ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो ए बी का मान क्या है, एक्स के साथ क्या है पांच के, और सी का मान क्या है सोलह। ठीक है, आप लिखेंगे यदि इसके मूल क्या है, मूल वास्तविक नहीं है। तो अब देखो आप इसमें से कंडीशन आपको पता है, मूल वास्तविक नहीं है तो ये है, वास्तविक नहीं काल्पनिक कह दो या वास्तविक नहीं यही है। तो इसमें अपन ये कंडीशन लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी छोटा है जीरो से, ये मतलब जीरो से छोटा है, तो इसका मान रख दो। तो बी का मान है पांच के का स्क्वायर माइनस चार इंटू ए का मान एक और के का मान सोलह, ये क्या है जीरो से छोटा। तो पांच के पांच का स्क्वायर पच्चीस, तो अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पांच के स्क्वायर माइनस चार को सोलह को चार से गुणा करेंगे तो चौसठ, क्या आ जाएगा चौसठ। इसको ऐसे रहने देते हैं, पांच के माइनस चौसठ का स्क्वायर कितना होता है, चौसठ किसका स्क्वायर है आठ का, चौसठ क्या है आठ का स्क्वायर होता है, आठ का स्क्वायर करेंगे तो चौसठ। फिर से वापस पीछे वाले सवाल की तरह इसको लिख देते हैं, पांच के प्लस आठ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पांच के माइनस आठ छोटा है जीरो से। यहां देखो अपने सूत्र लगाए ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो सूत्र लगता है ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी जो ब्रैकेट के अंदर है, एक बार इसको और इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। ठीक है, तो लिखेंगे यदि, इधर लिखते हैं यदि पहला लेते हैं पांच के प्लस आठ बराबर जीरो हो, तो अब आपको निकालना है k का मान। तो k का मान देखो आठ को इधर ले जाएंगे तो आठ किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का बराबर जीरो नहीं है ये है। ठीक है, तो अब इधर ले जाएंगे तो आपको पता है ये तीन कैसे हो जाएगा, इस तरीके से जब भी इधर आठ को इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, और माइनस का होते ही अपन क्या करेंगे तीन चेंज करेंगे और ये आ जाएगा आठ बटे पांच, ये आ गया पहला मान। दूसरा और दूसरा लिखेंगे, और यदि पांच के माइनस आठ बराबर जीरो हो, तो अब देखो k बराबर क्या आएगा, अब आठ को ले जाएंगे तो उधर ही रहेगा, आठ को ले जाएंगे तो उधर ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आठ बटे पांच, तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ये जैसे था वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो इधर की तरफ चिन्ह था तो इधर की तरफ ही रहेगा, तो ये इसके दोनों के उत्तर हो गए। तो आपको इस तरह से आसानी से समझ में, देखो पिछले सवाल की तरह ही है, बस उसमें बड़े वाला चिन्ह था, यहाँ जीरो से छोटा करना है, बस लास्ट में ये सवाल इस तरह से निकाला, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आप सवाल को आसानी से कर पाओ। तो ये था आपका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका पांचवा सवाल, 3.5 का पांचवा। देखो क्या सवाल दिया, यदि द्विघात समीकरण ये दिया बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स और ए माइनस बी बराबर जीरो के मूल वास्तविक और बराबर है, इसके मूल वास्तविक और बराबर दिए हैं, तो आपको ये सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस सी आपको सिद्ध करना है। तो देखो अपन सवाल उसी तरह करेंगे, ये सिद्ध अपने आप अपन इसका ध्यान में रखते हुए सवाल करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो a प्लस सी आ रहा है, तो अपन सवाल में देखेंगे ये दिया हुआ है आपको, देखो समीकरण दी हुई है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर आपको जीरो दिया हुआ है। तो देखो ए बी सी के मान क्या है, यहां देखो सवाल के अंदर छोटा ए बी सी आ रहा है तो अपन इसको बड़ा ए मान लेते हैं, तो ये आ रहा है बी माइनस सी, बी बराबर क्या है सी माइनस ए और सी बराबर क्या है ए माइनस बी। देखो ये ए बी सी वही है लेकिन ये सवाल के अंदर छोटे वाले रहे, मिक्स नहीं होते, इसलिए ये बड़े वाले लिखे हुए। आपको दिया यदि मूल वास्तविक वह बराबर है, तो अब आपको पता है वास्तविक और बराबर होते हैं तो जीरो वाली कंडीशन, यानी बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर क्या रखना है आपको जीरो रखना है, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी किसके बराबर रखना है जीरो। तो मान रखते हैं देखो बी का मान ये ना, या इसको ऐसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर जीरो, बड़े अक्षर लिखे थे तो बड़े वाला,
तो देखो b का मान क्या है, c माइनस a, इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस चार गुणा a का मान क्या है, ये रहा b माइनस c, ठीक है, और वहीं c का मान क्या है, a माइनस b, और बराबर क्या रखना है, जीरो। अब देखो यहां तो पहले तो अपने को क्या करना है, ये सूत्र खोलना है, a प्लस b कॉल, a माइनस b कॉल इसका आपको सूत्र है। देखो पहले क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस दो ए बी, ये दो, ये a और ये b, प्लस b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, ये चार ऐसे कैसे इसकी आपस में गुणा कराते हैं, तो देखो पहले a को b से गुणा करेंगे, ध्यान देंगे इधर तो समझ में आएगा, b को a से गुणा करना है तो ab, या b a लिख दो चाहे b लिख दो। अब b को गुणा करना है इस b से, तो देखो ये b प्लस का है ये माइनस का, b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, और माइनस का, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का। अब c को गुणा करना है a से, तो माइनस ए सी, ये माइनस का ये प्लस का। उसके बाद देखो c को गुणा करना है b से, तो प्लस का, देखो ये भी माइनस, जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस, और ये क्या लिखेंगे b और c बराबर जीरो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, c भी लिखो चाहे bc लिखो एक ही बात है। अब इसकी करते हैं चार के अंदर गुणा, तो सी स्क्वायर माइनस दो ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस, चार की सबसे गुणा करेंगे और माइनस भी है ध्यान रखना, तो माइनस की भी गुणा होगी चार की भी गुणा होगी, तो ये चार से गुणा करेंगे तो माइनस का चार ए बी, यहां माइनस की गुणा करेंगे तो देखो ये माइनस की जब भी अंदर गुणा करते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का, देखो ये माइनस का प्लस हो गया, अब यहां लिख देंगे चार बी स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का चार ए सी, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया चार बी सी, और बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब अपने को क्या करना है, यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अब देखो ये ए सी है, ये रहा दो ए सी और ये रहा चार ए सी, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, देखो दो ए सी चार ए सी प्लस का है दो ए सी माइनस का है, तो चार में से दो जाएगा तो प्लस का दो ए सी बचेगा, क्या बचेगा प्लस का दो ए सी प्लस, उसके बाद अपन ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर पड़ा। इसके बाद देखो मैंने क्या किया, यहां से इसमें से इस पद में से और इस पद में से, देखो एक तो चार कॉमन आ रहा है और एक बी कॉमन आ रहा है, देखो तो मैंने यहां से क्या किया चार और बी कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया चार और बी, तो यहां पे क्या बचेगा ए, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो यहां हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा चार कॉमन ले लिया बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सी, यानी ए प्लस सी, इन दोनों में से कॉमन लिया है और ये बाद में जो बचा हुआ है वैसे वैसे चार बी स्क्वायर ऐसे कैसे पड़ा बराबर जीरो। अब ध्यान देंगे मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं, यहां देखो इसको क्या है, ये देखो सूत्र बन रहा है फिर से, ये कौन सा सूत्र है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये देखो सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, देखो सी प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये उल्टा सूत्र लगा है, देखो इससे ये बना है, देखो जब भी आपको ऐसे लिखा हुआ दिखे ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से सूत्र लग सकता है, तो ये इसी तरह लगा है। माइनस का इसको देखो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, इसे लिख देता हूं दो इंटू ए माइनस ए प्लस सी इंटू दो बी, ये चार के दो टुकड़े कर दिए, दो ये रहा दो ये रहा, वापस गुणा करेंगे तो ये चार बी बन जाएगा, ठीक है दो बी, ठीक है ये दो से दो गुणा करेंगे चार और ये बी का भी वापस ऐसे बन जाएगा, और प्लस में मैंने लिख दिया चार को लिख दिया दो बी का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर करेंगे तो चार और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। देखो ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से फिर से ये सूत्र बन गया, देखो इसको माने ए तो ये ए का स्क्वायर हो गया माइनस दो इंटू फिर से ये आ गया ए इंटू ये हो गया बी, बी मतलब दो बी प्लस का ये हो गया बी का स्क्वायर, तो फिर से देखो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र बनता है ए माइनस बी का, तो देखो यहां पर ए माइनस बी का सूत्र बनाए तो क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, तो देखो ए माइनस बी का सूत्र बनाना है तो ये बनेगा ए तो ये है, ठीक है ये ए माइनस बी, बी क्या है यहां पर दो बी, बी का मान देखो पीछे वाले ब्रैकेट में, आगे वाले ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए है और पीछे वाले ब्रैकेट के अंदर है जो दो बी माइनस का दो बी बराबर जीरो, और इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है बराबर जीरो, इसलिए सब में चलाना है क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर है तो बराबर जीरो। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस a माइनस दो बी
जीरो इधर भेजेंगे तो अनरूट जीरो, और अनरूट जीरो का मान क्या होता है जीरो ही, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस दो बी बराबर जीरो। अब दो बी को इधर भेज दो तो सी प्लस ए बराबर दो बी, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, और जो अपने को सिद्ध करना था ठीक है यही अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये ए का मान, ये बी का और ये सी का आपको दिया है, मूल वास्तविक और बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर वाली ये कंडीशन लगा दी यहाँ पे ठीक है। फिर ये जो मान है एबीसी के वो यहाँ रख दो ठीक है। यहां रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसका सूत्र खोला है जिसकी आपस में गुणा करनी है, तो इसका सूत्र खोल दिया और इसकी आपस में गुणा कर दी तो अपने पास ये आ गया। फिर चार के अंदर गुणा कर दी ठीक है, जब माइनस सात में चिन्ह होता है तो गुणा करते हैं तो क्या होता है सारे चिन्ह बदल जाते हैं। यहां से आपका सवाल महत्वपूर्ण सवाल का पार्ट स्टार्ट होता है, यानी यहां से सवाल महत्वपूर्ण भाग स्टार्ट होता है जो सिद्ध करना है उस हिसाब से। तो देखो ये दो एसी था, ये चार एसी प्लस का था, इसमें से घटा दो ये दो एसी प्लस का आ गया ठीक है। इनमें से और इसमें से कॉमन लिया चार बी माइनस का, तो ये बता ए प्लस सी इस तरह से। अब इस सूत्र को उस फॉर्म में बनाने के लिए जो अपने सूत्र लिखते हैं उस तरीके से बनाने के लिए इस तरीके से लिखना है आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका, आपको इस तरीके से बनाना है। यह तरीका बनती है आपकी सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यह होता है ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो ये ऐसे बन रहा है, ये देखो a का स्क्वायर दो, ये पूरा a है, ये पूरा a है, ये b है, दो ए बी प्लस का ये बी का स्क्वायर, तो ये सूत्र बन गया। अब देखो ये स्क्वायर है जीरो, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या होता है अंडर रूट, तो जीरो का अंडर रूट जीरो ही। अब दो बी को इधर भेजेंगे तो ये अपने को सिद्ध करना था, दो बी बराबर ए प्लस सी या ए, सी प्लस ए बराबर दो बी। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सवाल। तो ये थी आपकी पूरी 3.5 प्रश्नावली, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई है ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो भी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।